हेलो स्टूडेंट, बजट के बारे में पढ़ने के बाद आज हमारी बारी है कि हम बजट के अंगों को भी जान लें कि जो बजट तैयार किया जाता है तो बजट के प्रमुख कौन कौन से अंग हैं। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बजट के अंगों को अच्छे से समझ सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा और बजट के बारे में पूरे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। बजट से रिलेटेड और माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड तमाम लिंक दिए हुए हैं, आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं बजट के अंग की। बजट के दो प्रमुख अंग होते हैं, एक होता है बजट प्राप्तियां और बजट व्यय। बजट प्राप्तियां मतलब सरकार को एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कितने इनकम यानी कितने पैसा मिलने वाला होता है, कितना धन मिलने वाला होता बजट के अंतर्गत। साथ ही साथ उस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार कितने खर्च करने वाली है यानी कि व्यय, वो होता है बजट व्यय। तो दो अंग प्रमुख अंग होते हैं प्राप्ति और व्यय यानी कि आय एवं व्यय। अब उनकी प्राप्तियों को एवं व्यय को दो दो ग्रुप में बांट सकते हैं। प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक है राजस्व प्राप्तियाँ और एक है पूंजीगत प्राप्तियाँ। उसी प्रकार से बजट व्यय भी है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम पढ़ते हैं बजट प्राप्तियां। बजट प्राप्तियां किसे, प्राप्ति मतलब प्राप्त होना यानी कि सरकार को जो प्राप्त होने वाली आय होती है उसे बजट प्राप्ति कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक आय को हम बजट प्राप्ति कहते हैं। अर्थात कोई भी गवर्नमेंट होती है किसी भी कंट्री की, उस गवर्नमेंट को उस कंट्री से एक अकाउंटिंग ईयर यानी कि एक लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितने भी सरकार के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, उन सोर्स ऑफ इनकम जो भी इनकम होते हैं उससे जितने भी अनुमानित, क्योंकि ये अनुमानित होता है, एग्जैक्ट पता नहीं होता कितने मिलने वाला होता है, तो अनुमानित जितनी भी मौद्रिक आय होती है उसे हम बजट प्राप्तियाँ कहते हैं। और ये बजट प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक है राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व और पूंजीगत, सबसे पहले हम राजस्व प्राप्ति की बात करते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ किसे कहते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ सरकारी बजट की वे मौद्रिक प्राप्तियाँ होती हैं जिनसे सरकार को किसी प्रकार की दायित्व की उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि देता जिसको होता है लाइबिलिटीज, एक ऐसे हमारे प्राप्तियाँ हैं क्योंकि जो पैसे मिलते हैं कैसे मिल सकते हैं, या तो कहीं से कर्ज लेंगे या कहीं से इनकम करेंगे या फिर आपके पास जो एसेट्स है उसको बेचेंगे। लेकिन राजस्व प्राप्ति क्या होती है, इनमें से दो में से कुछ नहीं होता है, सरकार के लाइबिलिटीज को नहीं बढ़ाता है यानी कि दायित्वों की उत्पन्न नहीं करता है, साथ ही साथ सरकार की संपत्तियों में भी कोई कमी नहीं होती है, यानी कि ये सरकार की जो है नॉर्मल इनकम होती है। और ये इनकम दो प्रकार की हो सकती है, एक है कर प्राप्तियाँ यानी कि टैक्स रिसीप्स और दूसरा होता है गैर कर प्राप्तियाँ यानी कि नॉन टैक्स। कर मतलब जो सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है, सरकार को भुगतान किया जाता है उसे हम कर प्राप्तियाँ कहते हैं। और सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बदले या फिर जुर्माने के रूप में जो वसूला जाता है उसे हम गैर प्राप्तियाँ गैर कर प्राप्तियाँ कहते हैं। तो कर प्राप्तियों और गैर कर प्राप्तियों में क्या क्या चीज़ आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कर प्राप्ति, कर किसे कहते हैं, व्हाट इज टैक्स, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइएगा और इसके बारे में आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बारे में अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है। कर प्राप्ति मतलब सरकार को विभिन्न कर, कौन कौन से कर, जैसे आयकर हुआ, निगम कर हुआ, संपत्ति कर है, उपहार कर है, सीमा शुल्क है और GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसी भी प्रकार से के टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को जितनी भी इनकम होती है उसे कर प्राप्तियां कहते हैं। इसके अलावा दूसरी होती है कर के अलावा गवर्नमेंट को होने वाली इनकम, राजस्व इनकम, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट अलग अलग कामों के लिए फीस वसूलती हैं, लाइजेंस या परमिट जारी करने के बदले फीस वसूलती हैं, सरकार के द्वारा संपत्तियों को जब्त कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा जो है सरकार नियम ना मानने के लिए या फिर किसी प्रकार की अथॉरिटी को तोड़ने के लिए दंड या जुर्माना लगाया जाता है, सरकार के सार्वजनिक उपक्रम होते हैं कंपनीज वगैरह, इन सब चीज़ों से भी गवर्नमेंट को काफ़ी इनकम होती है और ये इनकम का एक बड़ा सोर्स भी है। तो ये तो होगी दो चीज़ें राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत।
उसके बाद हम पढ़ेंगे पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां कैसे क्या होती हैं, यानी कि ऐसी प्राप्तियां सरकार की जिससे सरकार की दायित्व उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ या फिर परिसंपत्तियों में कमी होती हैं। दायित्व उत्पन्न होने का मतलब अर्थात पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो कर्ज के रूप में आती हैं, या फिर ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो कि संपत्तियों को बेच के वसूल किया जाता है। तो पूंजीगत प्राप्तियों को दायित्वों यानी कि ऋणों के आधार पर अगर इसको बांटें तो ये तीन प्रकार की प्राप्तियां होती हैं। एक है ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली के मतलब सरकार के द्वारा दूसरे देशों को या कंपनीज को या बैंकों को या राज्यों को विभिन्न प्रकार की ऋण बांटती हैं, ऋण देती हैं, और जब उनसे उन ऋणों की वसूली होती है तो सरकार की ये पूंजीगत प्राप्तियों में आती है। क्यों? क्योंकि इससे सरकार की संपत्तियों में कमी होगी, क्योंकि ऋण देना सरकार ने ऋण देना है, उससे उनको इनकम मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब जब इसको वसूली हो जाएगी तो उसके जो होता है एसेट्स की कमी हो जाएगी। दूसरा, ऋण एवं उधार। जब कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसका ऋण दूसरे देशों के साथ या आरबीआई के साथ विभिन्न प्रकार के संस्थानों के साथ लोन लेके उस जो है खर्चे को पूरा किया जाता है। और ये ऋण उधार दो प्रकार का हो सकता है, घरेलू और विदेशी। मतलब देश के अंतर्गत जितने भी संस्थान होते हैं ये दूसरे राज्य उनसे ऋण लेके पूरा किया जा सकता है, या फिर विदेशों से, विदेशी मतलब विदेशी सरकारों से, मुद्रा बैंक से, या फिर दूसरे प्रकार की अन्य संस्थानों से लोन लेके अपनी इन जरूरतों को पूरा किया जाता है। और थर्ड है सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश। सरकार के पास, सरकार ने काफ़ी, सरकार के विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, कंपनीज हैं, सरकार चाहे तो उस कंपनी के विनिवेश कर सकती है। विनिवेश का मतलब कंपनी के शेयरों को दोबारा से किसी और के हाथों बेच देना, इससे सरकार को अच्छी खासी इनकम प्राप्त होती है। अब हम बात करेंगे बजट व्यय। बजट व्यय का मतलब होता है सरकार के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत किए जाने वाले समस्त अनुमानित व्यय, जो भी खर्च किए जाते हैं, चाहे सड़कें बनाने के लिए हो, हॉस्पिटल बनाने के लिए हो, स्कूल बनाने के लिए हो, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए हो, किसी प्रकार से जो खर्चे होते हैं वो बजट व्यय के अंतर्गत आते हैं। और पहले से अनुमान लगाया जाता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कितने खर्च होने वाले हैं। बजट व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक राजस्व व्यय और दूसरा है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय क्या होता है? सबसे पहले राजस्व व्यय के बारे, वे मौद्रिक भुगतान होते हैं जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इससे एसेट्स नहीं बढ़ते हैं, ना ही सरकार की देयता की कमी होती है, ना ही सरकार के जो लायबिलिटी है उसमें कमी होती है। अर्थात ये जो है केंद्रीय योजनागत व्यय होते हैं, यानी कि सरकार को जो विभिन्न योजना के माध्यम से खर्च करने पड़ते हैं। रक्षा व्यय होते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ब्याज का भुगतान किया जाता है, जो दूसरे देशों को लोन लिया जाता है उसके बदले में ब्याज भी भुगतान किया जाता है। आर्थिक सहायता दी जाती है लोगों, जैसे सब्सिडीज वगैरह होता है, वृद्धा पेंशन हो गया, या फिर आपका विधुर पेंशन हो गया, या फिर बेरोजगारी भत्ता हो गया, विभिन्न प्रकार की जो है आर्थिक सहायता दी जाती है, ये भी सरकार के एक तरह का राजस्व व्यय माना जाता है। वेतन भुगतान करना, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च करना, सब जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पूंजीगत व्यय। क्या होता है पूंजीगत व्यय? ऐसे व्यय होते हैं जिससे सरकार के दायित्व कम हो जाते हैं या फिर सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। सरकार के दायित्व कैसे कम होंगे? क्योंकि इसका मान लीजिए कर्ज ले रखा था, कर्ज का पेमेंट कर दिया, तो कर्ज का पेमेंट होने का मतलब जो दायित्व होता है उसका कम हो जाना, और साथ ही साथ परिसंपत्तियों का भी निर्माण भी किया जाता है, यानी कि जो संपत्ति होती है सरकार की उसको बेच कर पैसा वसूल किया जाता है। जैसे इसमें कौन कौन आ सकते हैं राज्य पूंजीगत व्यय में? सरकारी उपकरणों को ऋण दिया जा सकता है, विदेशी सरकारों को ऋण दिया जा सकता है। जैसे अगर विदेशों से लेते भी हैं तो कुछ देना भी पड़ता है, तो विदेशी को ऋण देना भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। राज्य एवं संघ सरकारों को ऋण, इसके अलावा सरकार की जो बजट प्राप्तियों के अंतर्गत जो बढ़ती पैसे होते हैं उसके माध्यम से राज्यों में
या संघ सरकारों को ऋण देने का भी काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सब होगी बजट के अंग, बजट के व्यय, इनकम। ठीक, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।